हेलो स्टूडेंट, तो माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता, टी मैथमेटिक्स, सीएलसी सीकर। तो अपन आज बात करेंगे बेटा ऑनलाइन डीटीएस में जेई मेंस का पेपर फर्स्ट में बेटा सेट, रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक की बात की जाएगी, ठीक है। तो उसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट 20 क्वेश्चन सिंगल चॉइस के हैं और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बेटा इंटीजर टाइप के क्वेश्चन। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी इन एक्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आइडेंटिटी होने की कंडीशन क्या होगी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म इज जीरो। या कौन आ चाहिए कि लेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो इज बिकम एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है कि दी इक्वेशन विल सेटिस्फाई ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक ऐसी इक्वेशन जो एक्स की ऑल वैल्यूज को क्या करती है, सेटिस्फाई। देखो जनरली इसको ऐसे बोलना चाहिए कि जैसे लाइक इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, और बाय चांस इसको मोर देन 2x की वैल्यूज क्या करती है, सेटिस्फाई, देन इट्स बिकम एन आइडेंटिटी। और उसकी कंडीशन क्या होगी, a0 एंड b0 एंड c0। तो अपन को क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 3a plus 2 equal to 0 and a square minus 5a plus 6 equal to 0 and last thing a square minus 4 equal to 0, all three are 0 in simultaneously। तो क्या होगा जब इसके factorize करोगे तो क्या होगा, a minus 1 a minus 2 then a 1 comma 2, इससे क्या होगा a equal to 2 comma 3 and बेटा इससे होगा a equal to plus minus 2। तो एंड का मीनिंग ऑल थ्री सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, देन कॉमन वैल्यू ऑफ ए इज 2। तो देन इसका करेक्ट ऑप्शन फिल करना है आपको 2, सॉरी ऑप्शन थर्ड फिल करोगे क्योंकि इसमें आंसर 2 है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन थे। उसके बाद करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड क्या है, इफ tan अल्फा एंड tan बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट देन वैल्यू ऑफ tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देन क्या करें अपन, इसमें बेटा tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज करो। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b। तो देखो tan a अल्फा प्लस tan बीटा क्या है, सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के रूट आपको गिवन है tan अल्फा tan बीटा। तो सम ऑफ रूट तो आ जाएगा माइनस की b / a और प्रोडक्ट ऑफ रूट c / a। c को जब LC में लोगे तो क्या आ गया, माइनस b अपॉन 1 माइनस c, माइनस जब रिमूव करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो क्या आ गया, b अपॉन c, सॉरी दिस इज a, तो b अपॉन c माइनस c। तो देन इसका बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट आर रियल एंड डिस्टेंट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको दिस पार्ट, इसके रूट्स रियल और डिस्टेंट हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर रियल और डिस्टेंट है तो उसकी कंडीशन क्या लगोगे, डी ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले इसका डी ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं। तो डी का मीनिंग बी स्क्वायर टू सी का स्क्वायर, तो फोर सी स्क्वायर माइनस फोर ए इज वन एंड सी इज ए बी। फोर से फोर कैंसिल तो आ गया सी स्क्वायर ग्रेटर देन ऑफ ए बी, ये इसके रियल रूट्स की कंडीशन है, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। अब क्या बोला गया कि देन द इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट आर, कि जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स का नेचर बताओ। तो आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर अगर फाइंड आउट करना है तो देन वी विल चेक देयर डी, उसका डिस्क्रिमिनेंट आप चेक करें। तो देखो उसका डी क्या होगा, तो सेकंड क्वाड्रेटिक का डी लिखोगे तो बेटा डी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या गया फोर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए इज वन एंड सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर। इस डी की वैल्यू को आपको देखना है कि दिस इज नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर इसका डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल और डिस्टेंट, डी अगर जीरो होगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल, और डी नेगेटिव होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो देखो इसमें फोर तो कॉमन आ गया बेटा, तो देखो फोर कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर कैंसिल, तो ओनली क्या होगा 2ab माइनस 2c स्क्वायर। तो 2 तो कॉमन आ गया तो 8 आ गया,
और ब्रैकेट में आ गया ए बी माइनस सी स्क्वायर। और इसको अगर आप ढंग से देखते हो तो क्या होगा बताओ, ए बी माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो ए बी माइनस सी स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो इस क्वार्टिक का डी कैसा है, नेगेटिव। और किसी भी क्वार्टिक का डी नेगेटिव हो तो बेटा उसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो देन आपको उसका थर्ड ऑप्शन फिल करना है। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन फोर क्या बोला गया कि द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, दी लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस पार्ट है। ये एक्स और वाई में एक आपको एक्सप्रेशन गिवन है, मतलब एक फंक्शन बोल सकते हो, ये एक्स और वाई का फंक्शन है। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस सेवन। तो एक्स और वाई आपके रियल नंबर है, तो देन आपको दिस एफ ऑफ एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसको आप बेटा कंप्लीट होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की ट्राई करो। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज जीरो जीरो से ग्रेटर। तो देन अपन इजीली इसकी मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इधर से लो एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई और एक लो उसमें से वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं बेटा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सुनना आपको एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई वाई स्क्वायर, ये तो क्या बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक बचा वाई स्क्वायर फोर वाई, तो उसको लिखेंगे वाई प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री। देखो ओपन करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर टू एक्स वाई फोर वाई और चार और तीन सात हो गया ना। तो देखो होल स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज जीरो और जीरो से ग्रेटर, इसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो और जीरो से ग्रेटर। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो आपका एक्स वाई में एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, थ्री और थ्री से ग्रेटर, ठीक है ना। तो इसकी मिनी वैल्यू क्या होगी बेटा, थ्री। तो देन आपको इसका अगेन थर्ड ऑप्शन फिल करना है, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। क्वेश्चन फिफ्थ क्या बोला गया कि दिए द रियल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ ए सेटिस्फाइंग दिस पार्ट लाइज इन द इंटरवल, मतलब दिस इक्वेशन हैज ए रूट्स, मतलब दिस इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन दैट ए इज, मतलब ये इक्वेशन के रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो बताओ ए की वैल्यू क्या हो सकती है, समझे। मतलब ए की ऐसी वैल्यूज को आप कंसीडर करें जिनको पुट करने पे रूट्स उसके क्या होंगे, रियल, और सॉरी उसके रूट्स क्या होने चाहिए, रियल, मतलब है जे। तो क्या करना है, देखो देखो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि ऐसा लगाओ मोड एक्स इक्वल टू ए और ए आपका कैसा है, पॉजिटिव। अगर ए नेगेटिव है तो पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव वैसे ही फॉल्स हो जाएगा, तो फाइव आंसर होगा। तो इसमें कंडीशन है कि ए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो बेटा मोड एक्स इक्वल टू ए हो तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सीधा प्लस माइनस ऑफ ए। इसमें जब आप इसको अप्लाई करोगे तो क्या आ गया, इस कंप्लीट पार्ट का मोड फोर है, तो दिस पार्ट इक्वल टू प्लस माइनस फोर, तो क्या आ गया एक्स माइनस वन का मोड प्लस ए इक्वल टू प्लस माइनस फोर। जब आप टेकिंग प्लस की बात करोगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वन का मोड इक्वल टू फोर माइनस ए होगा, और टेकिंग माइनस लोगी तो क्या होगा, एक्स माइनस वन का मोड इक्वल टू माइनस फोर माइनस ए। तो देखो ये टू इक्वेशन एक तरीके से, तो दिस इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। तो सिंपल क्या होगा, मोड की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, जीरो जीरो से ग्रेटर, तो फोर माइनस ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो फोर माइनस ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अरे सिंपल सी बात है ना, ये आपका पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, ए को आपने जैसे थ्री ले लिया तो फोर माइनस थ्री वन आ गया ना, तो एक्स माइनस वन का मोड इक्वल टू वन, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो एक्स आ जाएगा जीरो इन टू, यस सर। ए को अगर आपने बाई चांस फाइव ले लिया इसमें, तो फोर माइनस फाइव इज माइनस वन, तो बताओ एक्स माइनस वन का मोड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नो। तो हैज नो सॉल्यूशन, इसका मीनिंग इसके अकॉर्डिंग दिस पार्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ए लेस देन इक्वल टू क्या होगा फोर, तो सिंपल सॉल्व कर देते हैं, तो इससे आ गया ए लेस देन फोर। तो ए का आंसर तो याद है, क्योंकि ये टेकिंग प्लस से फर्स्ट केस होगा, टेकिंग माइनस से सेकंड केस, तो केसेज के आंसर का बाद में यूनियन लेना अपन को। तो ए का आंसर तो हो गया, ए आपका जब भी फोर और फोर से लेस होगा तो देन दिस इक्वेशन हैज ए रियल सॉल्यूशन। आप पुट करके देख लो, फोर से लेस वैल्यू कुछ भी पुट करोगे इसमें, और जब आप इस मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 100% एक्स की वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करने वाली है। सिमिलरली इसमें भी क्या करोगे, कि दिस पार्ट की वैल्यू जो ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो,
तो माइनस फोर माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये आ गए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज, तो ए लेस देन इक्वल टू माइनस फोर, और दोनों का क्या लेना है यूनियन, तो दिस और का मतलब यूनियन, ये फोर से लेस ये माइनस फोर से लेस, तो देखो ये सारा आंसर इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो उसका फाइनल आंसर जाएगा ए लेस देन इक्वल टू फोर, तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा फर्स्ट, ठीक है चलो नोट करो उसको जल्दी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की, हाँ भी क्वेश्चन की, हाँ ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स एन प्लस वन गिवन है रूट ऑफ वन प्लस एक्स एन बाई टू, और एक्स नॉट आपको जीरो से वन गिवन है, एक्स नॉट का मीनिंग है इसमें लिखना चाहिए कि एन बिलोंग्स टू होल नंबर, इसमें लिखो एन बिलोंग्स टू होल नंबर, एन आपका होल नंबर है ठीक है, एन अगर होल नंबर है तो देखो एन को जीरो पुट करोगे तो एक्स वन क्या आ गया वन प्लस एक्स नॉट अपॉन टू का रूट, तो एक्स नॉट आपका जीरो से वन है, तो कॉस ऑफ दिस पार्ट टू इनफाइनिटी इज इक्वल टू, तो बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन में एक्स नॉट वन बाई एक्स नॉट वन एंड माइनस वन है, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्या करना है, देखो एक्स नॉट जीरो से वन बोला गया तो इसमें क्या करो आप, सबसे पहले बात करते हैं एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अपन को एक्स वन एक्स टू एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी तक उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करके उसको पुट करना है, तो x1 क्या होगा रूट ऑफ वन प्लस एक्स नॉट बाई टू, सिमिलरली x2 क्या होगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स वन बाई टू अप टू सो ऑन, तो इसमें करना क्या है, इसमें आप थोड़ी देर के लिए लेट करो x नॉट को cos थीटा, cos थीटा लेट करने से बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि x नॉट जीरो से वन है ना, तो हाँ cos थीटा जीरो से वन हो सकता है या होगा ठीक है ना, ये लिखना इसमें मस्ट है अदरवाइज क्वेश्चन गलत माना जाएगा ठीक है, क्योंकि x नॉट जब जीरो से वन है तो उस केस में ही अपन, या x नॉट माइनस वन टू वन है तो उसी केस में अपन cos थीटा को कंसीडर कर सकते हैं, अब x नॉट को cos थीटा लेने से बेनिफिट क्या होगा, जब आप x नॉट की वैल्यू से बेटा cos थीटा पुट करोगे तो आपको पता होगा कि जब भी वन के साथ cos हो तो अपन cos का फॉर्मूला यूज करके वन को कैंसिल कर सकते हैं, तो देखो जब इसमें cos थीटा पुट करोगे तो क्या जाएगा 1 plus cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2, और सिंपल सी बात है cos थीटा 0 से 1 है तो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू लाई करेगी 0 से पाई बाई 2 के बीच, यस सर, और देन 1 से 1 कैंसिल 2 से 2 तो ये क्या आ जाएगा cos थीटा बाई 2 का मॉड, और अब आपको पता है कि जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा बाई टू कहाँ होगा फर्स्ट में, तो मोड आपका प्लस के साथ ओपन होगा, तो इससे क्या आ गया कॉस, तो ये एक्स वन की वैल्यू है, अब इस एक्स वन की वैल्यू को जब आप इधर पुट करोगे तो अगेन वन के साथ कॉस, तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा बाई टू का हाफ एंगल का फॉर्मूला, तो क्या लिखोगे इसको टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई फोर माइनस वन, तो अगेन सिंप्लीफाई करने पर कुछ नहीं होगा, इधर थीटा बाई तो अगले में थीटा बाई फोर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर जाएगा कॉस थीटा बाई फोर का मतलब टू स्क्वायर, तो देखो x1 है तो 2 की पावर 1 है, x2 पे 2 की पावर 2 है, जब x3 की बात करोगे तो क्या बनेगा थीटा अपॉन 2 की पावर 3, अब 2xn की बात करोगे आप तो cos थीटा अपॉन 2 की पावर n होगा, 2 पे 2 होगा 3 पे 3 तो n पे n, तो अपन लास्ट में क्या करेंगे x1 x2 x3 xn का प्रोडक्ट फाइंड आउट करके n को इनफिनिटी की तरफ क्या कर देंगे इसमें 10 कर देंगे बाद में, ठीक है तो चलो उसके बाद सॉल्व करते हैं अपन, तो ये सबको समझ में आ गया होगा x1 x2 xn की वैल्यू क्या है, अब इसको सेपरेट सॉल्व करके देख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ना अपॉन वाले पार्ट को x1 x2 xn और n आपका क्या इनफाइनिट की तरफ टेंड है तो उसको लिमिट पुट कर देंगे n टेंड्स टू इनफिनिटी बाद में, तो देखो इसको लिख लेते हैं अपन x1 क्या है cos थीटा बाई 2 अगला cos थीटा बाई 2 स्क्वायर नेक्स्ट क्या होगा थीटा बाई 2 क्यूब और डॉट 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 बात करूं तो क्या आएगा cos ऑफ थीटा अपॉन 2 की पावर n, तो अभी आपको पता होगा इसको रिमूव कर देते थे कि जब भी cos थीटा मल्टीप्लाई में हो बात को सुनना केयरफुली जब भी cos थीटा क्या हो मल्टीप्लाई में और एंगल क्या हो ऑलवेज डबल हो कैसे या एंगल हाफ हो रिवर्स देखो ना थीटा अपॉन 2 की पावर n का डबल थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन ठीक है ना तो एक सिंपल सीरीजेस को याद करें ज्यादा बेटर है जैसे लेट ऑफ 3 का देख के देखो आप cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा कि इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है थीटा का डबल 2 और 2 का डबल 4 थीटा तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में प्रॉपर मेथड तो क्या है इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई करो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा
इधर भी 2s लगा दो अपॉन में भी 2s, तो न्यूमेटर वाला फॉर्मूला क्या बन गया, साइन 2 थीटा का, तो क्या आ गया देखो 2s साइन 2 cos 2 cos 4, तो अगेन क्या करो 2 से मल्टीप्लाई, तो देन ये फॉर्मूला बन गया साइन 4 थीटा का, और लास्ट में क्या बचा cos 4 थीटा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या आ गया साइन 8 थीटा अपॉन 2 की पावर 3 साइन थीटा। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूं इसको याद करें आप क्या करना है, जब भी cos थीटा मल्टीप्लाई में हो तो देखो अपॉन में तो साइन थीटा फिक्स है, इसका मीनिंग क्या है, लीस्ट एंगल का साइन लिख दो आप, तो लीस्ट एंगल थीटा है तो अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि लीस्ट एंगल के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसमें एक बार साइन थीटा आ गया, ये 2 की पावर 3 का मीनिंग है जितनी बार cos है उतनी बार 2 की पावर लिखनी है, तो 2 की पावर 3, और न्यूमेरेटर में क्या करना है साइन ग्रेटेस्ट एंगल का डबल, तो साइन 8 थीटा, आ गया समझ में, तो देखो इसमें भी ये काम करना अपन को सीधा, पहली बार पे cos कितनी बार मल्टीप्लाई है n टाइम्स 2 की पावर 1 2 3 n, तो 2 की पावर n से करोगे डिवाइड, फिर साइन क्या लिखोगे, लीस्ट एंगल कौन है सबसे छोटा एंगल कौन है, थीटा बाय 2 की पावर है, अरे ये थीटा बाय 2 भी थीटा बाय 4, तो ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब सबसे छोटा दिस एंगल है, तो आ गया थीटा अपॉन 2 की पावर n, और न्यूमेरेटर में क्या लिखोगे साइन ग्रेटेस्ट एंगल का डबल, तो थीटा बाय 2 का डबल क्या होगा, देखो तो ये पैटर्न अगर याद होगा तो जल्दी कर पाओगे आप क्वेश्चन को, अब अपन इसके बाद आगे इसको सॉल्व कर देते हैं फर्दर, तो क्या आ गया देखो, अब इसमें यूज करो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, क्योंकि लिमिट अगर n टेंड्स टू इनफिनिटी होगी तो ये किसका प्रोडक्ट मिलेगा आपको x1 x2 x3 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स का, तो देखो वो आपको पता होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लिमिट n टेंड्स, एक काम करें ये लगा देते हैं ऊपर लिमिट को, इसमें जब बेटा आप लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पुट करोगे तो देखो n को इनफिनिटी पुट करने पे 2 की पावर इनफिनिटी 0 सॉरी इनफाइनाइट थीटा अपॉन इनफिनिटी 0 पर ये साइन 0 बन गया ना, तो ये आपको पता होगा सिंपल सा कांसेप्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू बेटा 1 होती है, लिमिट कुछ भी उससे मतलब नहीं है आपका, लिमिट पुट करने पे ये भी 0 की तरफ टेंड करता है ये भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो देन लिमिट की वैल्यू क्या होगी 1, लिमिट कुछ भी उससे मतलब नहीं है, दोनों आपके 0 की तरफ क्या करने चाहिए टेंड करने चाहिए, देखो ये थीटा अपॉन 2 की पावर 0 आ गया ना लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पे, तो sin 0 की वैल्यू टेंड्स टू 0 ये आपका 0 की तरफ टेंड, काम करो अपॉन में थीटा अपॉन 2 की पावर n से कर दो उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो वैलेंस हो जाएगा, तो ये भी आपका 0 की तरफ टेंड है, तो दिस अपॉन दिस तो आगे वन हटाओ, उसके बाद 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा sin थीटा अपॉन थीटा, ठीक है ना, तो इस लिमिट को सॉल्व करने पे आ जाएगा sin थीटा अपॉन थीटा, ये हो गया ना। अब अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं ओरिजिनल पे, अपन को वैल्यू किसकी बतानी है, cos of अंडर रूट 1 माइनस, अपन ने x नॉट कंसीडर किया था बेटा cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन x1 x2 xn की वैल्यू क्या है sin थीटा अपॉन थीटा, तो देखो बेटा जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का रूट sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, और थीटा न्यूमेरेटर में आके क्या बन गया cos थीटा, मतलब सॉल्व करने पे इसका आंसर आ गया cos थीटा, और cos थीटा क्या था x नॉट, आपने जो x नॉट कंसीडर किया था वही क्या था cos थीटा, तो इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर क्या जाएगा x नॉट, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो उसको आप। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, देखने में ऐसा पता नहीं क्या है, a1 पता है a2 a3 a4 गिवन है, तो देन आपको देखना है मतलब कंपैरिजन करना है कि कौन लेस और कौन ग्रेटर होगा, तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, बस मतलब सिंपल है क्वेश्चन है और ये आईआईटी में आया क्वेश्चन है बहुत पुराना, ये जो एंगल है पाई बाई 8, ये पाई बाई 8 एंगल आपका पाई बाई 4 से लेस है, तो ये आपको पता होगा कि जब थीटा 0 से पाई बाई 4 के बिटवीन होगा तो टेन थीटा की वैल्यू तो 0 से 1 के बिटवीन होगी, सीधा क्वेश्चन है थीटा की वैल्यू अगर 0 से क्या हो पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 8 क्या है 22.5 डिग्री, तो 0 से पाई 4 के बिटवीन हो गया ना, तो टेन थीटा की जो वैल्यू हो क्या होगी 0 से 1 के बिटवीन, ये टेबल से देखो आप डायग्राम से देख सकते हो, और थीटा 0 से पाई बाई 4 के बिटवीन है बेटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 से ग्रेटर, मतलब थीटा 0 से 45 डिग्री होगा तो टेन थीटा तो 1 से लेस है और कॉट थीटा 1 से ग्रेटर है। देखो अपन A1 की बात करते हैं, A1 का मीनिंग क्या है 1 से लेस की पावर 1 से लेस, सीधा मतलब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लॉजिकली सोचना अपन को। A2 का मीनिंग है 1 से लेस की पावर 1 से ग्रेटर, तो एक बात को सोचो
वन से लेस की पावर वन से लेस तो वैल्यू और लेस होगी वन से, और वन से लेस की पावर वन से घटे तो वैल्यू और ज्यादा लेस हो जाएगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो ज्यादा समझ पाओगे आप। जैसे वन से लेस तो दोनों में वन बाई टू एड किया आपने, एक बार तो क्या किया वन बाई टू की पावर वन बाई टू कुछ भी ले लो वन से लेस, और एक बार क्या किया वन बाई टू की पावर वन से घटेड टू, तो भाई ये तो आपका वन बाई रूट टू आ गया और ये वन बाई फोर, तो फोर बड़ा है तो वन अपॉन रूट टू की वैल्यू कम है तो वन अपॉन कम ग्रेटर और वन अपॉन फोर और लेस बन जाएगा। मतलब बेस अगर वन से लेस है, ऐसे कर सकते हो आप कि बेस वन से लेस है और अगर पावर को आप इंक्रीज करोगे तो वैल्यू डिक्रीज करती है उसकी। यस सर, तो देन ए वन और ए टू में तो ग्रेटर कौन हो गया ए वन, तो ए वन आपका ए टू से क्या होगा ग्रेटर होगा। सिमिलरली ए थ्री ए फोर में बात करोगे तो देखो इसको यही देख लेते हैं। ए थ्री का मीनिंग क्या है, इस बार बेस कोट थीटा है, कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी वन से ग्रेटर, क्योंकि कोट 22 एंड आपकी वैल्यू क्या होगी वन से ग्रेटर, तो ए थ्री का मीनिंग तो क्या वन से ग्रेटर की पावर वन से लेस, और ए फोर का मीनिंग है वन से ग्रेटर की पावर वन से ग्रेटर। तो जब इनके कंपेरिजन की बात करोगे आप तो सिंपल सी बात है वन से ग्रेटर की पावर कुछ भी हो वैल्यू हमेशा वन से ग्रेटर होती है। पहली बात तो सुन लो, जैसे 1.1 का रूट लेना है तो वैल्यू 1. समथिंग समथिंग आने वाली है, तो 1 से ग्रेटर की पावर 1 से ग्रेटर ये 1 से ग्रेटर होगा, और 1 से ग्रेटर की पावर 1 से लेस ये 1 से ग्रेटर होगा, और 1 से ग्रेटर की पावर 1 से ग्रेटर ये 1 से ग्रेटर होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा इससे। तो ए3 और ए4 में कौन बड़ा ग्रेटर आ गया ए4, तो नेक्स्ट रिलेशन आ गया ए4 ग्रेटर देन ए3, और देखो ए3 आपका 1 से ग्रेटर है और a1 लेस देन a1 ग्रेटर देन a2 है, तो a1 आपका क्या वन से लेस है, इवन क्या वन से लेस, तो बताओ ए थ्री और ए वन में बड़ा कौन होगा ए थ्री होगा ना, हाँ है ना भाई, ए फोर और ए थ्री में ए फोर ग्रेटर है, ए वन ए टू में ए वन ग्रेटर है। अब आपको ए थ्री और ए वन में कंपेरिजन और देखना है, तो ए थ्री की वैल्यू तो वन से ग्रेटर है, ए वन की वैल्यू वन से लेस है, तो ए थ्री ग्रेटर हो गया, तो देखो ये सीक्वेंस होगी, तो ए फोर ग्रेटर देन ए थ्री ग्रेटर देन ए वन ग्रेटर देन ए टू, देन इसका थर्ड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, सिंपल। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि दी लीस्ट पॉजिटिव नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दी इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट। कुछ नहीं, सिंपल आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो एक काम करो इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते अपन, क्या लिखोगे साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस साइन पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हाँ एक काम करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो सीधा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, उससे भी आंसर जाएगा, ठीक है, तो एक काम करें फिर इसी से कर लेते जल्दी हो जाएगा। सॉरी लो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो लिख सकते हैं ना थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन ऑफ अल्फा, अल्फा का मतलब पाई एक्स स्क्वायर। बस ये लिखने के बाद अपन से क्या बोला गया कि दिस इक्वेशन का लीस्ट पॉजिटिव नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन होता ना, मतलब लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो बताओ वो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल। तो उसने ऑप्शन दे रखा है इरेशनल होगा वो एक्स लेकिन रूट पी की फॉर्म में होगा, इरेशनल होगा और दिस फॉर्मेट में होगा, इरेशनल होगा दिस फॉर्मेट में होगा, और इसमें तो पी और है, इसमें पी आपका इवन है, तो देखते हैं क्या करना है। तो देखो इसमें एक ही ऑप्शन है, पहली बार तो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या गए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एन प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एक्स स्क्वायर। ये करने के बाद देखो उसमें अपन टू ऑप्शन से लेके काम करते हैं, इफ एन बिलोंग्स टू इवन, एन अगर इवन होगा तो माइनस वन की पावर एन इज पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर आ गया एक्स इक्वल टू एन, और एन क्या आपका इंटीजर है ना, एन आपका इवन इंटीजर है, तो इससे तो जो सॉल्यूशन मिले वो आपके सारे इंटीग्रल सॉल्यूशन है। बट क्वेश्चन में पूछा गया है लीस्ट पॉजिटिव नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करो, अगर ये पूछता कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो फिर x इक्वल टू वन आंसर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि n को वन लेने पे x इक्वल टू वन आ सकता है। यस सर, अब बात करते हैं कि f n बिलोंग्स टू ऑड, n अगर आपका ऑड है तो देन माइनस वन की पावर n इज माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो जाके बन जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर, इसमें ऊपर कर दो सीधा, ये वैल्यू क्या होगी माइनस, तो देन टू एक्स स्क्वायर, तो क्या गया टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एन इक्वल टू जीरो, then it is become quadratic equation, तो अपन x की value को easily find out
कर सकते हैं, उधर को इधर सॉल्व कर लेते हैं और क्या। तो इसमें सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो ना, तो x इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या होगा, वन का स्क्वायर इज वन माइनस फोर ए इज टू ठीक है और सी इज माइनस है यस सर, अपॉन में क्या होगा टू ए का मतलब फोर आ गया। तो देखो ये जाएगा सॉल्व करने पे x इक्वल टू सही लिखा सब कुछ हाँ तो लिख देते हैं और क्या, ये क्या होगा देखो सॉल्व करने पे वन प्लस एट एन तो ये आ गया माइनस टू प्लस माइनस रूट ऑफ सॉरी ये थोड़ा गलत कर दिया, b की वैल्यू से वन होगी ठीक है, b इसमें क्या होगा वन होगा कोई बात नहीं, और ये आ गया प्लस वन प्लस एट एन अपॉन फोर मतलब x की दो वैल्यूज मिली अपन को। अब अपन से पूछा गया लीस्ट पॉजिटिव नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो अपन ओनली बात करेंगे टेकिंग प्लस की, क्योंकि टेकिंग माइनस पे बात करोगे तो एक्स आपका ऑलवेज नेगेटिव होगा तो उसकी तो बात नहीं करनी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो टेकिंग प्लस की बात करोगे तो क्या जाएगा एक्स इक्वल टू वन प्लस एट एन माइनस वन अपॉन, ये इस टाइप का फॉर्मेट है। अब क्वेश्चन ने इसी को पी कंसिडर किया है, इसी को क्या बोला गया ऑप्शन में पी कंसिडर किया गया, तो ये आ गया एक्स इक्वल टू, अभी और देखना आगे क्या करना है, मतलब ये फॉर्मेट तो ये है। अब इसमें बोला कि p इवन होगा या ऑड, देखो अपने क्वेश्चन में n ऑड है ध्यान रखना, अपन को n ऑड के लिए काम करना है, इवन की तो बात ही नहीं करनी। तो इसमें क्या करें अपन विद एग्जांपल के थ्रू काम करते हैं, जैसे लेट आओ n को ऑड आपने 1 पुट किया, n को ऑड 1 लोगे ना तो क्या जाएगा 8 और 9, 9 का रूट कितना होगा 3 - 1/4, तो 3 - 1/4 आ गया 1/2, तो ये इसका कैसा रूट है नॉन इंटीग्रल रूट है 1/2, मतलब इस फॉर्मेट में बोल सकते हैं दिक्कत क्या है। उसके बाद n को 3 लोगे तो 24 और 1 25, 5 - 1 = 4/4, तो फिर जाएगा इंटीजर रूट, क्या जाएगा बोलो इंटीजर रूट आ गया, तो उसको लेना नहीं है मेरे को। उसके बाद मतलब n को ऑड 1 पुट करने पे p कितना आ रहा है वो देखो एक सेकंड, इसको p कंसीडर किया अपन ने, मतलब उनको थोड़ा प्रॉपर वेरीफाई करना है कि p इज ऑड इंटीजर और p इज इवन इंटीजर। पहली बात तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, लेकिन नौ जो ऑप्शन के बने थोड़ा और वेरीफाई करके देख लेते हैं कि रूट्स आपका इटरेशन फॉर्मेट में तो है बट p उसका कैसा होगा, p का मतलब ये रूट की वैल्यू कैसी होगी, ऑड होगी या इवन होगी। तो देखो एक बार बात करते हैं, इंटीजर रूट की तो बात ही नहीं करनी अपन को, तो इटरेशन रूट की बात करनी है। तो देखो इसमें होगा क्या कि जैसे लेट आपने n को 1 पुट किया 3 पुट किया, तो 1 और 3 पे तो रूट्स कैसे इसके इंटीजर, 5 लो 40 और 41 तो कैसा आ गया नॉन इंटीजर। तो देखो n को कुछ ही पुट करो p आपका ऑलवेज एक ऑड नंबर है, क्या नंबर है बोलो ऑड, बट कुछ केसेस में तो आंसर इसके इंटीजर है या कुछ केसेस में आंसर इसके रेशनल फॉर्मेट में भी है और कुछ आंसर इसके इरेशनल फॉर्मेट में। तो अपन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बात करनी है कि लीस्ट इरेशनल रूट सॉरी लीस्ट पॉजिटिव इरेशनल रूट बताओ क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन तो चलो सारी चीज हो जाएंगी आपकी, तो देखो नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात की गई तो इसमें काम करते हैं अपन, नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन तो फिर तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, बट अपन को लीस्ट की बात की गई तो एक काम करो फिर लिख के देख लेते हैं फटाफट। तो देखो जैसे मैं इसमें से इधर से हटाया इसको, इसको हटा देते इधर से ठीक है, अभी सॉल्व करना ही पड़ेगा मेरे को, बस ये पता है मेरे को एन आपका ऑड है ध्यान रखना इस बात को। तो देखो लेट आओ ये तो पी था, इसमें अगर आप एन को वन पुट करते हैं तो एन को वन लेने पे रूट नाइन, तो पी तो ऑड है बट सॉल्व करने पे एक्स इक्वल टू क्या गया 3 - 1 = 1/2, तो ये आपका नॉन इंटीजर रूट है 1/2, तो ये देखते हैं कि 1/2 सबसे छोटा होगा कि बड़ा होगा बाद में। अगेन अगर एन को आपने पुट किया 3, तो 3 पुट करने पे क्या गया 24 और 1 = 25, तो x इक्वल टू क्या गया 1 आ गया, मतलब ये वैल्यू रिपीट करेगी आपकी। इफ n को अगर आप 5 लेते हो तो 40 और 41, तो ये आ गया रूट ऑफ 41 - 4, सिंपल सी बात ये है, ये फिक्स है ये फिक्स है, तो n को इंक्रीज करने पे वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज करने वाली है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करोगे आप
ये वैल्यू क्या होगी 36, 6 पॉइंट समथिंग माइनस 1, तो ये वैल्यू इससे ग्रेटर होगी, मतलब वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन ने क्या पूछा गया कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो अगर ऑप्शन में 1/2 गिवन है तो ये भी आंसर करेक्ट है आपका, ये तो लेना ही नहीं है मेरे को। तो सिंपल सी बात क्या है कि जो ये 1/2 आंसर है वो इस फॉर्मेट को तो फॉलो कर रहा है ना, ठीक है, तो यही फिर फिक्स करना है भाई इस अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। इसमें सारी चीजें इनबिल्ट हैं, पी आपका ऑड है तो पी ऑड लेना क्या है, वो आपको इससे मिलेगा, जैसे पी ऑड मेरा 1 हो गया, पी ऑड आप लोगे इसमें सबसे पहले 3, ठीक है, तो ये वैसे सही लिखा है इसने, अपन को तो बस इसके अकॉर्डिंग बात करना है कि ये पैटर्न हो सकता है। तो जो अपने इरेशनल रूट है, इरेशनल ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस पार्ट विद पी इज ऑड इंटीजर, तो देन आपको इसका सेकंड ऑप्शन क्या करना है, फिर फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, प्लस वाला एनी ऑप्शन में नॉन ऑफ दी लेना नहीं है, तो ये इस रूट को फॉलो करेगा कि रूट्स अगर इरेशनल है तो वो आपका इस फॉर्मेट में होगा, इरेशनल ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस पार्ट दिस, ठीक है, तो इसका देन सेकंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन भी सही है इसमें, अगर ऑप्शन में 1/2 दे रखा हो तो वो भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि लिस्ट बोल दिया गया तो फिर 1/2 फिल करना है आपको, ठीक है, चले। के बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, एग्जैक्टली 4 डिफरेंट सॉल्यूशन इन 0 से n पाई, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ n कैन बी, तो देखो कुछ नहीं, ये साइन में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लिखो, साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 4 और तो 8 आ जाएगा अपॉन 2, ये 2√2 हो गया, जब इसको 2√2 लिखोगे आप तो क्या गया, साइन एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, और बेटा जब इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या गया, 1 प्लस माइनस रूट 2, बट जब आप टेकिंग प्लस लोगे तो साइन एक्स क्या आएगा, 1 प्लस रूट 2, टेकिंग प्लस पे क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, गलत, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो हो नहीं सकती ना, तो ओनली जब टेकिंग माइनस लोगे तो साइन एक्स क्या होगा, 1 माइनस रूट 2, हाँ ये एक्सेप्टेबल है, और ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है, मतलब माइनस 1 से 0 के बीच में, तो देखो इधर आओ, साइन एक्स इक्वल टू नेगेटिव है, इसके 4 सोल्यूशन होने चाहिए, तो बताओ 0 से एन पाई में क्या इंटरवल लें कि केवल 4 सोल्यूशन आने चाहिए, तो देखो इधर आओ, साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव इधर और इधर, तो केवल 4 सोल्यूशन तक आपको उसको रोटेट करना है, देखो स्टार्ट कहां से करना है, 0 से एन पाई, 0 से स्टार्ट करो, 0 से 2 पाई 2 सोल्यूशन, 4 पाई 4, मतलब यहां तक तो लाना मस्ट है, इसके बाद 5 पाई तक भी ला सकते हो, बट उसने n पूछा मिनिमम, अगर n मैक्सिमम पूछा जाएगा कि n की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, तो फिर तो आंसर 5 फिल कर सकते हैं अगर होता, तो अभी तो केवल 4 पाई तक जाना है, तो n को मैं ओनली 4 ले सकता हूं, मतलब 0 से 4 पाई लोगे तो दिस हैज एग्जैक्टली 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है, देखो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल क्वेश्चन है, तो एक इनइक्विटी सॉल्व करनी है आपको, x 0 से 2 पाई है, मोड cos x लेस देन sin x, तो देन बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो काम करो, दो ऑप्शन है, चाहो तो केस बना के कर सकते हो और या फिर सीधे डायग्राम से भी कर सकते हो, बोलो क्या करना है, तो मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं फटाफट। मेथड फर्स्ट में तो क्या करो आप, इसका डायग्राम ड्रॉ करो आप, तो देखो डायग्राम में क्या करना है, 0 से 2 पाई में सबसे पहले तो बेटा sin x का डायग्राम क्या होगा, ये पाई बाय 2 ही थी, पाई बाय 2, उसके बाद क्या करो मोड cos x का डायग्राम कैसे बनेगा, क्या बोला गया, cos x का मोड लेस देन sin x, मतलब अपन को sin x को बढ़ा लेना है, तो जहां sin x ऊपर होगा, sin x का डायग्राम कौन सा, रेड वाला पार्ट, तो रेड वाला पार्ट ऊपर कहां आना, केवल इस वाले पोर्शन में, तो ये तो पॉइंट कितना है पाई बाय 4 और ये कितना है 3 पाई बाय 4, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, एक ऑप्शन तो ये, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब सेकंड मेथड क्या हो सकता है करने का, अब सिंपल क्या करो, केस राइज करो, इस मोड को ओपन करना, तो काम करो ना, ये भी लेंथी पड़ेगा, इसमें भी डायग्राम देखना पड़ेगा मेरे को, एक्स अगर आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो मोड आपका प्लस के साथ ओपन होगा, तो क्या जाएगा, कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू साइन एक्स, तो देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑब्लिक फोर है, पहली बात तो उसमें ये भी फिक्स है कि पॉजिटिव लेस देन साइन एक्स है, तो ये पॉजिटिव है और ये साइन एक्स है, और ग्रेटर देन साइन एक्स आपको ग्रेटर आना चाहिए,
तो साइन एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव वैसी फॉल्स होगा ना, इसका मतलब साइन एक्स का पॉजिटिव होना मस्ट है। तो फिर एक ही बात बची इसमें, अपना जो इंटरवल होगा जीरो से पाई के बीच में बात की जाएगी। तो एक काम करो फर्स्ट ये तो हटाई दो उसमें से, तो एक्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो अपॉन में ले आओ, या कॉस एक्स भी पॉजिटिव है तो अपॉन में ला सकते हैं। सीधा आ गया टेन एक्स की वैल्यू वन से बेटर, तो टेन एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में वन से बड़ी कब होगी, पाई बाई फोर से पाई बाई टू। इसके अकॉर्डिंग तो आंसर क्या जाएगा, पाई बाई फोर से पाई बाई टू तक आ सकता है, पाई बाई फोर से पाई बाई टू आ गया। और सेकेंड चीज क्या राइज करोगे कि एक्स अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कोस एक्स आपका नेगेटिव होगा, तो क्या लिखोगे, माइनस कोस एक्स इज लेस देन ऑफ साइन एक्स, तो इस बार आ जाएगा टेन एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करोगे आप तो ये माइनस वन से वैल्यू बड़ी ग्रेटर यहां होगी ना, तो ये आ जाएगा टेन एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, तो माइनस वन से बड़ा ऊपर वाला पोर्शन, तो आपको पाई बाई फोर से थ्री बाई फोर आंसर का फिल करना, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि तो फटाफट डायग्राम से आंसर मिल गया, इसमें तो केस भी बनाने पड़े अपन को, डायग्राम भी ड्रॉ करने पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ इसमें एक गड़बड़ी हो गई थी अपन से, कहाँ चला गया वो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव होगा तो उसको उधर भेजोगे तो एस इनइक्विटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो टेन एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेस तो देन अपन को नीचे वाला पोर्शन लेना है, तो नीचे वाला पोर्शन कौन सा होगा, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई फोर, ठीक है। तो देन जब दोनों को मर्ज करोगे तो आंसर क्या होगा, पाई बाई फोर से थ्री पाई बाई, और ये रिवर्स करना था सर। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दी रेंज ऑफ दी फंक्शन एफ डिफाइन एफ एक्स ऑफ दिस पार्ट, ये बॉक्स तो स्टेप फंक्शन है और ये कर्ली ब्रैकेट आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दोनों चीजें इसके अंदर, इसकी रेंज बतानी है। देखो कैसे करोगे, सोचते थोड़ा, इधर आओ इसको लिख लेते हैं एक बार, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, का स्टेप, बहुत इंटरेस्ट मतलब एक लॉजिकल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। देखो सबसे पहले इसमें थोड़ी डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन की एक ही कंडीशन है कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो, तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज नॉन जीरो, तो साइन की वैल्यू जीरो को होगी, भाई सिंपल सी बात है, फ्रैक्शनल पार्ट का जो आउटपुट है वो आपने पढ़ा है जीरो से वन, तो जब फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो, तो नॉट डिफाइन आ गया, मतलब इसके डिफाइन होने की कंडीशन है साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जीरो को होगी इंटीजर पे, क्योंकि इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो जीरो होगा, इसका मतलब एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, कि डोमेन में इंटीजर नहीं हो सकता, तो इसकी जो डोमेन है वो तो क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस इंटीजर, यस सर। अब चलो डोमेन की बात नहीं, रेंज की बात करते हैं, तो इसका मतलब फिक्स हो गया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट का आउट है वो ओनली जीरो से वन ओपन ब्रैकेट लेना है मेरे को, तो देखो अगेन चलो याद रखना इसको, अब अपन इसको हटा देते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट जब जीरो से वन है तो साइन जीरो से वन में आउटपुट क्या देगा, तो देखो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे लेट आओ आप क्या करो समझने के लिए, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को टी कंसीडर करो, तो ये क्या बन गया, साइन टी आ गया ना, और टी आपका जीरो से वन है, जीरो से वन का मतलब है जीरो से लेके 57 डिग्री, ये साइन का डायग्राम ऐसे होगा, ये जीरो है और ये वन, वन का मतलब 57, तो बेटा जीरो से वन के बिटवीन साइन एक्स का आउटपुट क्या होगा, जीरो से ग्रेटर और ये साइन वन होगा, मतलब साइन फ्रैक्शनल पार्ट का जो आउटपुट है वो क्या होगा, जीरो से साइन वन के बिटवीन, और सिंपल सी बात है साइन वन की वैल्यू तो वन से छोटी हुई ना, इसका मीनिंग जो साइन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है वो जीरो से वन के बिटवीन है। और अब आप ये बताओ वन अपॉन जीरो से वन के बिटवीन वैल्यूज, जीरो से वन के बिटवीन वैल्यूज का जब आप रेसिप्रोकल करोगे, तो एक काम करो लिख के देख लेते हैं कि लेट अगर ए आपका जीरो से वन है तो जीरो से वन, जीरो से वन के बिटवीन नंबर का जब आप क्या करोगे रेसिप्रोकल, तो देन ए क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, वन से ग्रेटर, बताओ यस और नो, ए आपका होगा वन से ग्रेटर, और अगर ए वन से ग्रेटर है मतलब ए का मतलब दिस पार्ट आ गया ना, और वन से ग्रेटर नंबर का जब आप स्टेप लोगे तो स्टेप ए की वैल्यू क्या होगी, तो देखो वन से ग्रेटर क्या होगा, वन से टू के बिटवीन, तो उसका स्टेप वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, आपको सो ऑन, मतलब इसकी रेंज में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब ऑप्शन में ओनली नेचुरल नंबर लिखा हो तो ये भी सही है, या होल नंबर माइनस जीरो लिखा हो वो भी सही है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आई द सेट ऑफ इंटीजर नो, डब्ल्यू इज द सेट ऑफ होल नंबर गलत, एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये भी रॉन्ग है, क्योंकि एन तो आपका वन से स्टार्ट है, बट
अपने में ये क्या 1 2 3 से है, ठीक है, और 2 3 4, तो देन इसका n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब अपने स्टेप की जो वैल्यू क्या 1 2 3, तो देन इसका बेटा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 1 2 3 4 5 है, तो आ गया ना n क्या होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फोर्थ ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें 1 नहीं है, ठीक है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था, चलो नोट करो उसको। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या बोला गया कि एक सेट x गिवन है आपको और सेट y गिवन है। सेट x में 6 एलिमेंट है और सेट y में बेटा 3 एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम x टू y, मतलब x में y में आपको टोटल फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। एक फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट x टू y, इसमें टोटल 6 एलिमेंट है 1 2 3 6, और इसमें 3 एलिमेंट है v1 v2 v3। बस समझने के लिए बनाया मैंने, a1 a2 a3 भी लिख सकते हो, a1 a2 a6। देन क्या बोला गया सच दैट इट इज एन ऑनटू फंक्शन, मतलब ये फंक्शन आपका ऑनटू, ऑनटू फंक्शन का मतलब कि a1 a2 a6 की जो मैपिंग करोगे वो v1 v2 v3 सबके साथ होना मस्ट है। ऑनटू का मीनिंग है कि जो फंक्शन की रेंज है वो कोडोमेन की इक्वल होगी, इसका मतलब v1 v2 v3 सबके लिए प्री इमेज होना मस्ट है। देयर आर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट ऑफ x इन कैपिटल x, मतलब जो कैपिटल x की 3 एलिमेंट हैं such that f of x equal to b1, मतलब इस सेट x के जो 3 एलिमेंट है वो आपके b1 से होना मस्ट है, मतलब कैपिटल x के 3 एलिमेंट की जो मैपिंग है वो आपको b1 से करनी है। तो क्या करोगे, थोड़ा पीएनसी का यूज करना है इसमें, आप क्या करो, कुछ नहीं आता है कि सर इन 6 में से किन 3 एलिमेंट की मैपिंग आप b1 से करोगे, तो क्या करो इन 6 में से पहले 3 एलिमेंट सेलेक्ट करो और उनकी मैपिंग कर दो b1 से, तो एक ही तरीका कर दो और क्या, ये लो a1 से कर दिया, a2 से कर दिया और a3 से कर दिया, अब बचे कितने 3। अब इन 3 की मैपिंग आपको b2 b3 से करनी है, लेकिन इस तरीके से करोगे कि b2 एंड b3 ऑल हैज या बोथ हैज प्री इमेजिंग सेट ऑफ a4 a5 एंड a6। देन क्या करोगे, ऐसे लिखो आप, थोड़ा समझना, इसको सेपरेट लिख लेते समझाने के लिए। अब आपको ओनली क्या करना है, a4 a5 और a6 की मैपिंग करनी है केवल b2 और b3 से। तो देखो a4 को फिल करने के 2 ऑप्शन, a5 के भी 2 ऑप्शन और a6 के भी 2 ऑप्शन, तो टोटल तो ऑप्शन है 2 की पावर 3, 8। बट इसमें एक दो केस ऐसे हैं जिसमें b2 एंड b3 डज नॉट हैव प्री इमेज, जैसे लेट क्या किया आपने भाई, a4 को फिल करने के 2 ऑप्शन है, b1 से b2 से कर सकते हो b3 से, a5 के लिए भी 2 ऑप्शन है और a6 के भी 2 ऑप्शन है, बट आपने अगर इन सबकी मैपिंग b2 से कर दी तो एक तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस केस में b3 की कोई मैपिंग नहीं होगी तो फंक्शन इनटू बनेगा। सिमिलरली अगर आपने ऑल 3 की मैपिंग तो फिर इस केस में नहीं बन सकता, तो दो पॉसिबिलिटी ऐसी जिस केस में फंक्शन ऑनटू नहीं होगा, तो टोटल 8 पॉसिबिलिटी है ना इसको फिल करने की, इसमें से दो आपने सबट्रैक्ट की तो देन 63 की वैल्यू शायद 20 होती है और 8 - 2 = 6, तो क्या आ जाएगा 120, ठीक है। तो देन बेटा इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यूजिंग पीएनसी। क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट सिग्मा लिमिट r टेंड टू इनफिनिटी tan इनवर्स दिस पार्ट इज इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक इंफिनिटी सीरीज को सॉल्व करना है tan इनवर्स के अंदर, तो फिक्स पैटर्न है कि जब भी tan इनवर्स की इनफिनिटी सीरीज या n टर्म की सीरीज को सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, इसको tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फार्मूला बनाओगे, फिक्स है, क्योंकि tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फार्मूला जब बनाओगे तो उसकी क्या होगा, जब सिग्मा ओपन करोगे ना तो उसको अपन इजीली 1/1 टर्म्स को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। इसमें मोस्टली क्या होगा कि जब आप tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करोगे तो देन क्या होगा, सेकंड टर्म थर्ड से, थर्ड फोर्थ से अप टू सो ऑन, मतलब कॉरस्पोंडिंग टर्म क्या होंगी, ऑटोमेटिक कैंसिल आउट, तो स्टैटिक की टर्म बचेगी एक और एक लास्ट टर्म बचती है बेसिकली क्वेश्चन में। तो देखो क्या करें, मतलब ये अंदर वाले पार्ट को आपको लाना है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्मेट में, अगर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया तो देन इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। देखो क्या करो, ये जो 2 की पावर, पहले तो देखो अपॉन में क्या करना है, अपॉन वाले पार्ट को तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, इधर लिख देते हैं सिग्मा tan इनवर्स, इसको अलग अलग कर दो,
एक तो लिख दो 2 की पावर r into 2 की पावर r minus 1। देखो ना बेस इक्वल तो पावर को सेपरेट कर सकते हैं। और देखो इसको अगर आप x लेट करते हो, इसको y लेट करते हो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो देखो यही बचेगा 2 की पावर r minus 1, क्योंकि इसमें से जब इसको सेपरेट करोगे तो एक काम करो ना 2 की पावर r minus 1 कॉमन लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 minus 1 इज 1, तो देन मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर r minus 2 की पावर r minus 1। तो बन गया ना फॉर्मूला tan inverse x minus y upon 1 plus xy, देन ही आ गया। हां इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं बेसिकली, जब n इनफिनिटी होना तो पहले आप लिमिट लगा दो r equal to 1 से n, और आफ्टर दैट क्या करो सॉल्व करने के बाद n की लिमिट पुट कर दो इनफाइनाइट। ठीक है, अभी बताऊंगा इसमें गलती क्या हो सकती है स्टूडेंट से। तो अभी मैंने इस पे सिग्मा की लिमिट लगाई 1 से लेके n, तो क्या आ जाएगा ये tan inverse 2 की पावर r minus tan inverse 2 की पावर r minus 1। बोलो किसी को डाउट है क्या? ठीक है, ये लिखने के बाद अब क्या करना अपन को, सिंपल सिग्मा ओपन करो, तो r को 1 पुट करोगे तो tan inverse 2 minus tan inverse 1, ये लो tan inverse 2 minus tan inverse 1, ये r को 1 पुट करने पे आ गया, प्लस एक बार 2 पुट कर दो तो देन tan inverse 2 square minus tan inverse 2 आ गया। चलो समझने के लिए एक बार और पुट कर देते हैं, तो tan inverse 2 की पावर 3 minus r को 3 पुट करने पे ही आ गया। ऐसे ही प्रोग्रामिंग चलती रहेगी और लास्ट में जब n पुट करो क्या जाएगा tan inverse 2 की पावर n minus tan inverse 2 की पावर, दिस पार्ट आने के बाद देखो tan inverse 2 से तो tan inverse 2 कैंसिल, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल, 2 क्यूब से इधर वाली टर्म कैंसिल, तो स्टार्टिंग में तो बचा माइनस के tan inverse 1, और लास्ट में सबसे बड़ा टर्म कौन सी होगी, यही होगी ना, क्योंकि इसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो देन इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा tan inverse 2 की पावर n माइनस tan inverse 1। अब देखो बच्चों से गलती क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं इस पे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी लगा देते हैं, तो इनफिनिटी लगाने से बच्चे क्या सोचेंगे सेकंड टर्म इससे कैंसिल, सॉरी ये वाली इससे कैंसिल, तो आगे ये टर्म सारी कैंसिल होती जाएंगी, बट ऐसा नहीं होगा, इसमें लास्ट में एक टर्म तो 100% बचने वाली है इसमें। ठीक है, तो वो टर्म कौन सी बचेगी जो सबसे बड़ी होगी tan inverse 2 की पावर n, तो देन ये इसकी n टर्म का समेशन है। अब n को जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे यार लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी लोगे आप, तो देखो सीधा आंसर है n tends to infinity पे tan inverse infinity की वैल्यू क्या होगी, pi by 2 minus pi by 4, क्योंकि आपने अगर इसको ऐसे ही कर दिया कि लास्ट में सारी टर्म कैंसिल आउट है इनफिनिटी सीरीज है, तो बच्चे जल्दीबाजी में आंसर क्या लिखेंगे minus tan inverse 1, तो minus pi by 4 ऑप्शन है अपने पास, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी आंसर क्या होगा pi by 2 minus pi by 4 is pi by 4, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, नोट करो उसको भी। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, cos inverse this part is equal to, कुछ नहीं इसको सिंपल सॉल्व करके आपको देखना है कि और ऑप्शन क्या हो सकता है। देखो तो जो चारों ऑप्शन है ना इसमें अंदर आ रहा है tan xy2, मतलब ये xy2 की फॉर्म में आ रहा है tan की, तो एक काम करो ना आप cos x का फॉर्मूला tan xy2 के हाफ एंगल में यूज करने की ट्राई करते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, cos inverse 3 plus 5 1 minus, मैं एक काम करता हूं थोड़ी देर के लिए tan xy2 को t कंसीडर कर लेते हैं अपन, तो क्या जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल लग रही देखने में, और इधर क्या जाएगा 5 प्लस 3 इनटू 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब देखो सीधा लिखा जाएगा cos इनवर्स, ये से मल्टीप्लाई इससे एलसीएम कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 3 और 5 इज 8, 3t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर माइनस के 2t स्क्वायर अपॉन में 5 एंड 3 अगेन 8, इस बार 5t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर प्लस के 2t स्क्वायर। बस ये लिखने के बाद इसी के बाद एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या करना है आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 8 कॉमन लेके इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो, तो देखो क्या आ गया, तो n अपॉन d से जब 8 कॉमन लोगे तो आ गया 1 माइनस t स्क्वायर बाय 4 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर बाय 4, और t स्क्वायर बाय 4 को मैं लिख सकता हूं बेटा, चलो कोई बात नहीं ऐसे रखो, tan xy2 को t बाद में पुट करना, ये लिखने के बाद एक काम करो ना, ये क्या ty2 का होल स्क्वायर है, आप ty2 को पुट कर दो लेट tan थीटा, ty2 को tan थीटा लेट करोगे तो क्या बन गया 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, this is cos 2 theta का फॉर्मूला, तो क्या आ गए
cos inverse cos of 2 theta, cos से cos inverse cancel तो 2 theta आ गया, और theta की value क्या होगी, tan inverse t by 2, yes sir, और t की value put करोगे tan of x by 2, तो क्या गया, 2 tan inverse 1 by 2 tan x by 2, then इसका fourth option correct होगा, ठीक है, तो बस इसी के बाद main था कि इसमें 8 common लेके again substitution apply करोगे तो ये cos 2 theta का formula बन जाएगा, किसका बन जाएगा, cos 2 theta का formula, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, रेंज ऑफ fx इज दिस पार्ट वेयर स्टेप दिस पार्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो इस फंक्शन fx की जो रेंज है वो किस पे डिपेंड करती है, ओनली x स्क्वायर पे, और वी नो दैट x स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस सर, तो अगर x स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो देखो कैसे करो, मैं इसको प्रॉपर समझाने के लिए काम करता हूं, इस स्टेप वाले पार्ट को t कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या आ गया t इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस x स्क्वायर का स्टेप, तो क्वेश्चन आ गया fx इक्वल टू, क्योंकि ऐसे करने से मेरे को इसमें डोमेन को फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अदरवाइज बेसिकली होगा क्या कि मोस्टली क्वेश्चनों में जब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज को क्या करते हैं कैलकुलेट, तो देन वी विल फाइंड आउट, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट देयर डोमेन, बट अपन इसमें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं विदाउट डोमेन के भी रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, आपने इसको साइन इनवर्स टी रेट किया, अब अगर साइन इनवर्स टी रेट किया है तो टी की वैल्यू तो माइनस वन होगी ना, माइनस वन से वन, क्योंकि अगर डोमेन से बाहर चला जाएगा टी, अब देखो जरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर जीरो जीरो से ग्रेटर है तो वन बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, दिस पार्ट की वैल्यू क्या होगी, वन बाई टू से ग्रेटर, और वन बाई टू से ग्रेटर नंबर का जब आप स्टेप लोगे तो देखो 1 by 2 से greater कौन कौन होगा, ये सारा पार्ट होगा नंबर लाइन पे, तो 1 by 2 से 1 का स्टेप तो 0 आ गया, 1 से 2 का स्टेप 1 और 2 अप टू 2, बट अपना t केवल माइनस 1 से 1 के बीच में हो सकता है, तो इसमें दो ही एक्सेप्टेबल वैल्यू होंगी t 0 एंड t 1, और तो t को 0 पुट करोगे तो दो रेंज क्या होगी 0, sin इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, और 1 लोगे तो sin इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी पाई बाय 2, इसका मीनिंग इसकी डोमेन कुछ भी हो वो लिख देना कोई दिक्कत नहीं है, इसकी रेंज में ओनली टू एलिमेंट होंगे 0 एंड 2 एलिमेंट है 0 एंड पाई बाय 2, क्योंकि इस साइन इनवर्स टी का जो आउटपुट है वो ओनली 0 और ओनली 1 है, तो जब आउटपुट 2 है इनपुट की 2 वैल्यूज हैं तो हो सकता है उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट की मैक्सिमम 2 वैल्यू हो सकती है 1 वैल्यू, क्यों, क्योंकि कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है ना कि टी की दो डिफरेंट वैल्यू पे आउटपुट सेम आ सकता है, तो अभी तो दोनों का डिफरेंट है तो इसकी रेंज में ओनली 0 एंड पाई बाय 2 एलिमेंट्स होंगे, तो देन इसका सेकेंड ऑप्शन टिक करना, फॉर्मेट कर देना जल्दीबाजी में, करली ब्रैकेट बना दो, सॉरी इसको ब्रैकेट में लिख दो इंटरवल बना के, ठीक है, तो उसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, चलो क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ टेन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1, जो 200 क्वेश्चन लग रहा है देखने में, देखो क्या करना है, मतलब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, तो देखो जब भी इनइक्वलिटी को सॉल्व करो तो उसके अंदर कोई भी स्पेशल फंक्शन हो तो पहले उसकी कंडीशन अप्लाई करो, जैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जैसे लॉग आ रहा है तो पहले लॉग की कंडीशन, लॉग का बेस पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल टू 1, किसी इनइक्वलिटी में रूट आ रहा है तो पहले रूट की कंडीशन कि रूट के अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0, जो कुछ भी है, तो इसमें देखो साइन इनवर्स एक्स प्रेजेंट है तो पहले साइन इनवर्स की कंडीशन क्या होगी, एक्स राइज इक्वल टू माइनस 1 टू 1, इक्वेशन नंबर 1, इससे बाहर तो आंसर जा नहीं सकता, ये लिखने के बाद क्या करना है, देखो कि टेन स्क्वायर है ना, तो क्या करो टेन स्क्वायर, एक काम करो थोड़ी देर के लिए अपन साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर देते, तो क्वेश्चन क्या आ गया, टेन स्क्वायर टी ग्रेटर देन 1, इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो मोड लगाते हैं, तो टेन टी का मोड ग्रेटर देन 1, टेन टी का मोड ग्रेटर देन 1, तो टेन टी का मोड ग्रेटर देन 1 आ गया, टी क्या था, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो बेटा इससे साइन टी कितना आ गया एक्स, तो मैं काम करूं सीधा tan t की वैल्यू भी आप x की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो, sin t का मीनिंग अगर ये मैंने एंगल t माना तो 1, तो आ गया रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो बेटा tan t आ गया x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, तो ये हो गया x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का मोड इज ग्रेटर देन 1, दिस पार्ट आने के बाद क्या करना है, दोनों पे मोड अपन सेपरेट अप्लाई कर सकते, नहीं पढ़ा होगा सबने fx का मोड अपॉन gx का मोड, तो
सेपरेट मोड लगाओगे तो क्या आ गया, मोड एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का मोड। मोड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ गया मोड एक्स ग्रेटर देन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है तो मोड को लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये आप सबने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एफ एक्स का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स का मोड। अगर बोथ साइड क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो मोड केवल पॉजिटिव बनाने के लिए लगा दिया मैंने, कि बोथ साइड की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हो तो आप इनइक्विटी और इक्वेशन में स्क्वायरिंग करने से नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। उस केस में कभी जरूरत नहीं पड़ती कि जो सॉल्यूशन है उनको आप ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके चेक करो कि वो कौन एक्सेप्टेबल होगा और कौन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो फिक्स है ऑलवेज कि पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव हो या पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव हो तो स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेंगे उससे, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग करोगे सीधा तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो देन ये आ गया टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन। पहले वन को लेफ्ट में ले आना, और आप नंबर लाइन से भी कर सकते हो या फिर सीधा कर सकते हो शॉर्टकट से, टू से डिवाइड कर दो उसको आप, तो टू से डिवाइड करने पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन बाई टू, और स्क्वायर रूट लोगे तो मोड एक्स की वैल्यू वन बाई रूट टू से ग्रेटर। और अब आप को पता होगा कि मोड एक्स ग्रेटर देन वन बाई रूट टू, तो मोड एक्स ग्रेटर देन वन बाई रूट टू का मीनिंग मोड एक्स ग्रेटर देन ए का सॉल्यूशन माइनस इनफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए टू इनफिनिटी। कुछ नहीं, आप इससे सॉल्व करो, इधर ले आना, इसके फैक्टर करना, नंबर लाइन बना देना, उससे आंसर आएगा। तो अभी तो चलो मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया, तो क्या लिखे देखो, तो इससे जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस के वन बाई रूट टू ओपन ब्रैकेट सॉरी इक्वल टू था क्या इसमें, ना तो इक्वल टू हटा देना स्ट्रेस, यूनियन वन बाई रूट टू से इनफिनिटी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और जब आप फर्स्ट और सेकेंड का कॉमन लोगे तो आंसर केवल माइनस वन से वन के बिटवीन का इसमें से सेलेक्ट करना पड़ा, तो कौन सा होगा माइनस वन से माइनस के वन बाई रूट टू यूनियन वन बाई रूट टू से वन, ये इसका ऑप्शन होगा फाइनल, ठीक है। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन है क्या, इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, क्या होगा बोलो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये गड़बड़ी लग रही होगी बच्चों को कि सर आपने माइनस और वन पे क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, आना चाहिए ना इक्वल टू है तो, बट इसमें एक छोटा सा पार्ट वो लिखना चाहिए अपन को, ये तो लिख दिया मैंने कि एक्स की कंडीशन माइनस वन से बने, लेकिन टेन एक्स आ रहा है इसमें, तो टेन एक्स की कंडीशन क्या होगी कि टेन एक्स के अंदर वाला पार्ट कभी भी पाई बाई टू का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई बाई टू के मल्टीपल पे टेन क्या बन जाता है, नॉट डिफाइंड इनफिनिट। तो सिंपल सी बात है कि जब इसमें आप एक्स को क्या लेते हो प्लस माइनस वन, वन और माइनस वन, तो साइन प्लस माइनस साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस वन पे, प्लस माइनस पाई बाई टू, और टेन पाई बाई टू इज नॉट डिफाइंड, तो देन आपको प्लस माइनस वन को भी सेलेक्ट नहीं करना है। ये तो अच्छी बात है, इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा वन और माइनस वन पे क्लोज ब्रैकेट लगा के, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता आपका, ठीक है। चलो तो अभी तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन 17 क्या है कि डोमेन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स दिस पार्ट इज गिवन बाय, मतलब इस फंक्शन की आपको डोमेन फाइंड आउट करनी है। फंक्शन क्या लिख लेते हैं एक बार, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स स्टेप ऑफ जी ए फंक्शन है, तो देन इसकी डोमेन को करो कैलकुलेट। तो करते हैं क्या दिक्कत है, देखो ब्लैक बोर्ड पे स्टेप के अंदर sec x आ रहा है, हाँ इसमें x गिवन है कि क्वेश्चन में, हाँ x 0 से 2 पाई गिवन है, अभी तो 0 से 2 पाई पे क्लोज है तो क्लोज लगा दो। sec x की कंडीशन क्या है, sec x आपका पाई बाय 2 के मल्टीपल पे नॉट डिफाइन होगा, तो सबसे पहले क्या करो 0 से 2 पाई में केवल पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे sec x की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट, तो नॉट डिफाइन, ये कर दो गलत कि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 को आंसर में निकलो नहीं करना। उसके बाद sin इनवर्स की कंडीशन, साइन इनवर्स के अंदर वाला पार्ट इज लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, हाँ है ना, कि साइन इनवर्स के अंदर वाला पार्ट माइनस वन टू वन होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, स्टेप की इनइक्विटी को सॉल्व करना है। तो देखो स्टेप को ओपन करो तो क्या होगा, इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे ये माइनस वन है और ये
लेट, इधर टू लेट कर देते समझने के लिए, इधर माइनस टू। तो माइनस वन से टू के नंबर का जब स्टेप लोगे तो वो तो क्या आएगा, माइनस टू। तो माइनस वन ग्रेटर देन माइनस टू गलत हो गया, इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो मेरे को नहीं लेना है। माइनस वन लोगे तो माइनस वन का स्टेप माइनस वन मतलब ट्रू आ गया। तो इसकी कहानी कहां से स्टार्ट होगी, माइनस वन से स्टार्ट होगी, मतलब जब स्टेप को रूम करोगे तो sec x की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन से ग्रेटर होगी। और इधर टू से लेस नंबर का स्टेप भी क्या होगा, वन। तो इधर क्या होगा, लेस देन, ये होगा स्टेप को ओपन करोगे तो, ठीक है। देन अब देखो sec x की जो रेंज पढ़ी आपने वो क्या पढ़ी हुई है, ये बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन है। sec x की रेंज होती है माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इनफिनिटी। बट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने पे sec x की वैल्यू क्या है, माइनस वन से टू के बिटवीन। तो यार इसका जब इसके साथ कॉमन पार्ट लोगे तो एक तो sec x की वैल्यू ओनली माइनस वन हो सकती है, तो एक तो आ गया sec x इक्वल टू माइनस वन, और कौन सा यूनियन, सेकेंड पार्ट कॉमन क्या होगा, वन से लेके टू, मतलब sec x लाइज बिटवीन वन से टू, टू पे लगाना होगा। तो sec x की वैल्यू माइनस वन का होगी, sec x का मतलब cos x इज माइनस वन, तो इससे तो एक आंसर आ गया x इक्वल टू पाई, क्योंकि जीरो से टू पाई में x को पाई पुट करने पे cos x आपका माइनस वन होगा। इसको क्या करो, इसका कर दो रेसिप्रोकल, क्योंकि sec का रेसिप्रोकल तो आ गया cos, रेसिप्रोकल लेने पे साइन चेंज तो वन का वन और ये आ गया वन बाई टू। तो आपको ये देखना है कि cos x की वैल्यू वन बाई टू से वन जीरो से टू पाई में कब का हो सकती है, वो आंसर हमें देखना है। तो एक काम करें, इसका छोटा सा डायग्राम बना लें, तो दिक्कत क्या है, जीरो से टू पाई, तो जीरो से टू पाई में ये पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, ये टू पाई है, यस सर, और ये मेरे को पता पाई है। cos x की वैल्यू 1 बाई टू से 1 के बिटवीन देख रहे हैं, देखो 1 तो cos की वैल्यू यहां होगी, तो 1 को लेना है तो 0 को और 2 पाई को भी इंक्लूड करना है, 1 बाई टू का इधर होगा, तो cos की वैल्यू 1 बाई टू कब आती है, एक तो पाई बाई थ्री की रिगार्डिंग आ गई, और एक बेटा 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री 5 पाई बाई थ्री की रिगार्डिंग आती है, ठीक है। तो ये बीच वाला पोर्शन लेना है मेरे को 1 बाई टू से 1, तो देन एक तो आ गया 0 से पाई बाई थ्री, तो देखो 0 को इंक्लूड करना है क्योंकि 0 पे 1 होगा, 1 पे इक्वल है, तो 0 से पाई बाई थ्री, बट पाई बाई थ्री पे वैल्यू 1 बाई टू है, 1 बाई टू को इंक्लूड नहीं करना है, तो अपन को ओपन ब्रैकेट यूज करना है। यूनियन अगेन 5 बाई थ्री कब होगा, जब 1 बाई टू लोगे, 1 बाई टू पे ओपन है तो अपन भी ओपन लगा देते हैं, ये लो बेटा, और 2 पाई की रिगार्डिंग वैल्यू 1 है, 1 पे इक्वल टू है तो अपन भी क्लोज लगा देते हैं, ये लो बेटा। तो x की वैल्यू एक तो दिस होगी और एक लिखना यूनियन करके पाई आंसर। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन मैच करने वाला, 0 से पाई बाई थ्री यूनियन, 5 पाई बाई थ्री से 2 पाई यूनियन 1, तो इसका देखो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन देखो सेकंड भी दे रखा है, चलो एक मिनट को रुको, इसने 2 पाई पे ओपन ब्रैकेट लगा रखा है, हाँ तो ठीक है ना, 2 पाई पे अपने ऑप्शन में भी ओपन ब्रैकेट है, जो क्वेश्चन है उसमें भी 2 पाई पे ओपन ब्रैकेट है, तो फिर 2 पाई को इंक्लूड मत करना, ठीक, कोई बात नहीं, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो देख लो इसको आप। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये सेट का क्वेश्चन है, देखो क्या करना है इसमें, आपको टू सेट गिवन है ए एंड बी, तो देन आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, ए इंटरसेक्शन बी कंटेन ओनली 1 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट और ओनली 4 पॉइंट, मतलब अपन को कुछ नहीं करना। सेट ए क्या है, एक कर्व है एक्स वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई इक्वल टू 4 क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसका डायग्राम ड्रॉ करो, और ये एक सर्कल की क्वेश्चन है, दोनों के डायग्राम जितने पॉइंट पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट, उतनी क्या होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, चारों ऑप्शन में ए इंटरसेक्शन बी बोला गया, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के कॉमन सॉल्यूशन, तो दो कर्व जितने पॉइंट पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट, उतने क्या होंगे कॉमन सॉल्यूशन। तो देखो क्या करना है, तो बस सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है बोथ का, बी तो क्या है सेंटर 0 0, रेडियस आपकी 2√2 ले लो, उसके बाद जो फर्स्ट डायग्राम है वो क्या है xy इक्वल टू 4 का, बस इसी में गलती क्या करते हैं बच्चे, यूं दो बार काट देते फटाफट तो और मामला गड़बड़ जाता है। इसमें होगा क्या, देखो दो ऑप्शन है, चाहो तो आप क्या करो y को 4 अपॉन x पुट करके इसको सॉल्व कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि केवल दो पॉइंट पे क्या करते हैं दोनों डायग्राम इंटरसेक्ट करते हैं। और डायग्राम से बात करो, देखो ये जो दोनों डायग्राम है ना y = x के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो y को x लेने पे
ये क्या आ गया 2x² इक्वल टू 8, तो x² इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2। और देखो x को 2 पुट करने पे y 2 आ रहा है, इसका मतलब ये डायग्राम इस पॉइंट से पास होगा और इधर से इस पॉइंट से, मतलब जब आप xy इक्वल टू 4 का जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाओगे ना तो वो इसको टच करके जाएगा, ध्यान रखना इस बात, बस यही मेन था, अदरवाइज जल्दीबाजी में आंसर 4 टिक कर देते बच्चे, ठीक है। तो अभी तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों कर्वों को सॉल्व करो तो 2 पॉइंट मिलने वाले हैं, तो आप बोलोगे ए और बी हैज 2 कॉमन पॉइंट्स, तो देन थर्ड ऑप्शन करेक्ट। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 इज, लेट पी एक रिलेशन गिवन है, यस पी सेट बोल दो, रिलेशन है सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्मेटिव है, जिसमें बोला गया x²y² = 1 है, xy बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो बताओ ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, या ट्रांजिटिव या एंटी सिमेट्रिक। तो देखो क्या करना है, इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात करनी थी। देखो सिमेट्रिक तो बहुत सिंपल है, सिमेट्रिक में क्या होगा कि ए आर बी है, ए का रिलेशन अगर बी से है, मतलब ए आर बी में ए इज एक्स और बी इज वाई, तो क्या आ जाएगा a²b² = 1 होगा। आप ऐसे समझ सकते हो ज्योमेट्रिकली, अगर a कॉमा b आपका इस जगह लाइक है, इधर बोल देते दिक्कत क्या, कहीं भी मान लो a कॉमा b अगर इस पॉइंट पे लाइक करेगा, तो देन अपन को लिखना है bra, तो bra का मीनिंग क्या होगा, a और b को इंटरसेक्शन करने से क्या 2 के स्क्वायर का सम कभी चेंज होगा क्या, नो, इसका मीनिंग ही ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, मतलब 1, जैसे लेट एग्जांपल से बात करो 1/√2, 1/√2 ये है। अब आप बोलोगे सर तो दोनों सेम है ना, दोनों सेम हो तो उसको भी सिमेट्रिक बोल सकते हैं, 1 का 1 से तो उल्टा बोल दो 1 का 1 से, तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आप ये ना लेके एक काम करो, अपन को दोनों के स्क्वायर का सम 1 लाना है, तो एक काम करें अपन √3/2, 1/√2 ले लेते हैं, क्योंकि √3/2 का मतलब तो आगे 3/4 और 1/4, यस सर, तो ए को तो लेते हैं √3/2 और बी को लेते हैं 1/2, ये करके सेटिस्फाई बना गए ना, तो इसका रिवर्स भी करोगे आप 1/2, √3/2 फिर भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब a कॉमा b आपका इधर है तो b कॉमा a निकालना है, तो आपको पता होगा a कॉमा b, b कॉमा a कब आ सकता है, जब इसका y इक्वल टू x में क्या होगा, रिफ्लेक्शन, तो वो भी 100% इसी जगह लाइक है, कहीं भी लेके देख लो आप, इसके सिमेट्रिक होगा, ठीक है, इसका मतलब ये ऑलवेज क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिटिव को अगर गलत प्रूव करना है तो इसमें आपको एग्जांपल्स ले लेके देखने पड़ेंगे। आप ऐसे देख सकते हो नॉर्मल केस में भी कि x का रिलेशन अगर y से या a का रिलेशन अगर b से है, तो क्या आ गया a²+b² = 1, उसके बाद b का रिलेशन अगर c से है तो b²+c² = 1 आ गया, तो a का रिलेशन c से होगा तो arc क्या आना चाहिए बोलो, a²+c² = 1 आना चाहिए। बट इसकी बात करूं तो देखो मैं इसमें से a और c में रिलेशन आना है, तो फर्स्ट में से सेकंड को जब सबट्रैक्ट करूं तो क्या जाएगा a²+c², तो केवल जब ही पॉसिबल हो सकता है जब mod a = क्या होगा mod c, बट ये पॉसिबल हो नहीं सकता इसमें, ठीक है ना, तो देन ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा ऑलवेज, ऑलवेज की बात करोगे जब भी है। रिफ्लेक्सिव में भी क्या गड़बड़ी है, रिफ्लेक्सिव में केवल कुछ पॉइंट पे ही इसको सेटिस्फाई कर सकता है, ऑल पॉइंट को नहीं कर सकता इस सर्कमफेरेंस के, जैसे मैंने ले लिया 1/√2, 1/√2 तो ठीक है 1/√2, 1/√2 सही है, अरे इसका मीनिंग क्या है कि एक्स आर एक्स है ना, तो देन ये और एक्स की ऑल वैल्यू को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, जो इसकी सर्कमफेरेंस पे लाई करती है, बट ये क्या आ जाएगा 2x²=1, तो देन x इक्वल टू हो जाएगा ओनली +-1/√2, मतलब केवल x की दो वैल्यू पे ही क्या हो गए रिफ्लेक्सिव, बट अपन को तो इस सर्कमफेरेंस की ऑल वैल्यूज पे क्या चाहिए बोलो, इसको सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो सिमेट्रिक तो हमेशा होगा क्योंकि ये डायग्राम y = x के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो इधर पॉइंट लोगे तो उसकी इमेज हमेशा इधर दिखेगी, तो ओनली इसका सेकंड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। चले उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास, लेट a एंड b टू, ये भी क्वेश्चन 18 की टाइप ही लग रहा है, टू सेट है a और b, और दोनों सेट में क्या है 2 कर्व गिवन है आपको, तो बताया है कि a b का सबसेट है,
बी ए का सबसेट है या ए इक्वल टू बी है। तो एक काम करते हैं, अपन दोनों सेट के डायग्राम बनाते हैं, अगर दोनों सेट के डायग्राम एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप करते हैं तो दोनों सेम होंगे, फिर तो ए इक्वल टू बी आ गया। और किसी का डायग्राम किसी के अंदर बन गया, जैसे लाइट एक डायग्राम ये दूसरा उसके अंदर आ गया, इसका मतलब अंदर वाला भार वाले का एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन दोनों के डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ये क्या है, इसको पहले प्रॉपर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो 4x स्क्वायर और 32x में से 4 कॉमन लो आप, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x। अरे इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, क्योंकि जब आप देखोगे तो इसका डेल्टा तो आता है नॉन जीरो और h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू नेगेटिव है, समझे मेरी बात को। तो इसमें से जब 9 कॉमन लोगे तो क्या आ गया y स्क्वायर माइनस 6y। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करो, सॉरी इधर लिख देते हैं, x का कोएफिशिएंट आधा 16 ऐड कर दो, 16 सबट्रैक्ट कर दो, इसमें 9 ऐड कर दो, 9 सबट्रैक्ट, ये तो बन जाएगा होल स्क्वायर किसका, 4 इनटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 इनटू y माइनस 3 का होल स्क्वायर। और देखो 16 गुणा 4 32 64, तो माइनस के 64 कर देना, तो 109 माइनस 64 माइनस 81, ठीक है ये कर देना, तो ये कितना जाएगा 8 4 5 9 में से 5, ठीक है, तो ये 36 आ रहा करके देख लेना आप, ठीक है, तो देन ही आ जाएगा 4 इंटू सही लिखा ना 4 इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू y माइनस 3 का होल स्क्वायर, हाँ सॉरी लेस देन इक्वल टू 36 हो गए। तो देन जब आप इसको 36 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो देखो क्या जाएगा ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 6 सॉरी 9 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो देखो ये एलिप्स की क्वेश्चन है, क्या बोले एलिप्स की क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं जरा, और अगर ये बेटा एक एलिप्स की क्वेश्चन है तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, ए इसमें आपका 3 है, बी आपका 2 है, इसका मतलब इसकी जो मेजर एक्सिस है वो कौन होगी, एक्स एक्सिस। तो देन कहां चला गया, हां ये जो सेट ए वो क्या है, एक्स माइनस 3 का मोड लेस देन 1 एंड y माइनस 3 का मोड लेस देन 1। तो एक काम करो आप x माइनस 3 को कैपिटल x सेलेक्ट कर दो, अपन इसमें क्या यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी ओरिजिन, ओरिजिन को ट्रांसफर कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल y का मोड लेस देन 1। और जब आपने x माइनस 3 को कैपिटल x पुट किया इसमें अपने इस कर्व में, तो क्या जाएगा ये कैपिटल x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ये तो y है, तो कैपिटल y स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 1। तो देखो इसका जो वर्टेक्स है या सेंटर है वो तो क्या 1,0, और एक्सिस क्या होंगी x y के पैरेलल। तो देखो अपन पहले सेट b का डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि b का डायग्राम क्या होगा, ठीक है, अपन को ये देखना है कि दोनों के डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 3,3 पे, या 3,3 को अपन ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया ऐसे बोल दो आप। तो देखो जब इसके डायग्राम्स की बात करोगे तो क्या होगा, इसमें इसका ओरिजिन क्या 1,0, मतलब ये सेंटर 1,0 है, सॉरी 1,0 तो एक्सिस पे होगा, ये 1,0 है, 1,0 आने के बाद ए थी, तो ए आपका थी इधर बढ़ा दो तो -2,0 आ गया, और ए थी इधर लोगे तो 4,0, मतलब जब आप इस पैराबोला एलिप्स को ड्रॉ करोगे तो उसका डायग्राम इस टाइप से ड्रॉ होगा नीचे, ये इसकी एक्सिस होंगी। उसके बाद b कितना है आपका 2 है ना, तो b को 2 लोगे तो ये आ गया 1,2 या 1,2, और ये होगा 1, बस ये अपना एलिप्स बन चुका है। एलिप्स आ थोड़ा डायग्राम को अच्छे से बनाना, एलिप्स बनने के बाद मोड x लेस देन 1 मतलब x की वैल्यू -1 to 1, तो ये 1 है -1 इधर होगा, तो देन इसके बिटवीन रीजन लेना है, और y की वैल्यू अगेन -1 से 1, तो y 1 इधर होगा ना क्योंकि ऊपर तो 2 है, तो इन दोनों से बाउंडेड बाय जो पोर्शन है वो कौन सा होगा, ये एक रेक्टेंगल आ गया। तो देखो
ये जो mod x less than 1 और mod y less than 1 है, इससे जो bounded by rectangle का region है वो क्या है, इस ellipse के inside है। इसका मतलब set A is the subset of B, हाँ है ना, इसका answer fill करना है, A is the subset of B। तो then इसका equal to मतलब है ना, equal to का मतलब उसकी जो कुछ element है वो उस मतलब A, अरे ये लगाने का मतलब है उसका super set भी होगा। ये पढ़ते ना प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट, तो ये ए कंप्लीट बी के अंदर है, मतलब ए अगर कंप्लीटली बी के अंदर है तो ए इज दी सबसेट ऑफ बी, तो ए सबसेट बी का नोटेशन आप ये यूज करोगे। और ये पता होना चाहिए कि जब ये हो ना ऐसा, बेसिकली इसमें क्या होगा, इसकी जो इम्प्रॉपर सबसेट है ए के वो भी बी के अंदर इनबिल्ट होंगे, या ए जो बी का दो सेट है फाई और इटसेल्फ वो भी ए के अंदर हो सकते हैं, उस केस में अपन क्या लगाते हैं, ये एरो लगाते हैं, है ना, ध्यान रखें। तो अभी तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो अब बात करते हैं अपन सेक्शन डी की। सेक्शन डी में कुछ इंटीजर्स क्वेश्चन है, देखते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला गया, द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ए इक्वल टू दिस पार्ट डिफाइंड बाय आर इक्वल टू दिस पार्ट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ आर। देखो एक रिलेशन आर है, वो रिलेशन क्या, वाई इक्वल टू मोड एक्स। पहली बात तो x की वैल्यू क्या गिवन है आपको, माइनस थ्री से प्लस थ्री है, और x बिलोंग्स टू z है, z का मतलब ओनली इंटीजर है। तो इसका मीनिंग सेट A में कौन कौन आएगा, देखो माइनस थ्री से थ्री की वैल्यू कौन कौन से इंटीजर होंगे, माइनस टू माइनस वन जीरो एंड वन टू, ये आ गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक रिलेशन r क्या है, x कोमा y और y इक्वल टू लेना है मोड x, और क्वेश्चन में बोला गया है x इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, x को माइनस वन कंसिडर नहीं करना है, इसका मीनिंग ये माइनस वन वाला पार्ट तो हटा दो, तो ओनली आप x को माइनस टू जीरो वन एंड टू पुट कर सकते हो। तो देखो रिलेशन r क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट में लिखते रिलेशन, जब x को माइनस टू लोगे तो माइनस टू पुट करने पे क्या जाएगा टू, तो एक तो आ गया ऑर्डर्ड पेयर माइनस टू कोमा टू, जीरो पुट करने पे जीरो कोमा जीरो होगा, वन पे वन कोमा वन और टू पे टू कोमा टू, मतलब टोटल फोर ऑर्डर्ड पेयर है, ये फोर एलिमेंट बोल दो, चार ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये आपको सबको पता होगा कि लेट सेट ए में टोटल एन एलिमेंट है, तो टोटल सबसेट कितने होंगे, टू की पावर है, और जो सबसेट का जो कलेक्शन है इसी को क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर भी टोटल कितने एलिमेंट होंगे, टू की पावर एन। तो ये रिलेशन के अंदर है कि ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन के जो टोटल सबसेट होंगे उसी को क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ आर। तो देन इसमें भी क्या होगा, टू की पावर फोर, तो इसका आंसर क्या होगा, सिक्सटीन। ठीक है चले, तो आपको उसको सिक्सटीन आंसर इसमें फिल करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या, देखो द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स Satisfying the pair of quadratic equation this part and this part, मतलब इसने भी नहीं पूछा, इसने पूछा है कि ये दोनों equation x की कितनी values को क्या करती है, simultaneously satisfy। तो देखो कैसे करना है, चलो एक बार लिख लेते equation, x square minus px plus 20 equal to 0, x की मैक्सिमम कितनी वैल्यूज को बोथ क्या कर सकती है सेटिस्फाई। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये हो गया ना, अगर इसके बोथ रूट्स आर कॉमन हो तो x की टू वैल्यूज को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और वन रूट कॉमन हो तो x की कुछ वैल्यू को क्या कर सकते हैं सेटिस्फाई। तो एक काम करते हैं अपन, इसमें टू रूट कॉमन और वन रूट कॉमन की कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो बोथ रूट्स आर कॉमन, तो बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, तो क्या जाएगा बेटा, 1 upon 1 equal to minus p upon minus 20 equal to 20 upon 2, तो then ये तो 1 आ गया, तो p आ गया 20 से, और इससे आ गया p square equal to 20 का square, तो इससे भी p क्या होगा 20, दोनों से common होगे ना, तो p क्या होगा 20, मतलब p को 20 लेने पे both roots are common। अब एक बार देखते हैं कि दोनों root common क्या होंगे, ये भी लिखना मस्त है इसमें, तो p को मैं 20 किसी में पुट कर दो, आप दोनों इक्वेशन सेम होंगी, तो क्या जाएगा x square minus 20x plus
20 इक्वल टू जीरो। तो देखो इसका डी आएगा कितना, 400 माइनस 80। हाँ डी पॉजिटिव आ रहा, मतलब इससे x की बहुत वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। तो x की टू वैल्यूज तो कॉमन क्या होंगी जिसको सेटिस्फाई करेंगी जब p आपका 20 है। p नहीं बताना, तो x की दो वैल्यू तो कॉमन ही है जो दोनों इक्वेशन को क्या करती है, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई व्हेन p इक्वल टू। इसलिए ये पूछा है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सम p बिलोंग्स टू r, p की कुछ वैल्यूज के लिए बताओ। अब p वो कुछ भी है, पता है p 20 आ गया कि p जब 20 होगा तो बहुत इक्वेशन है सेम रूट, मतलब दोनों रूट सेम होंगे तो x की टू वैल्यू मिल चुकी है। सेकेंड केस कंसीडर करें आप, वन रूट कॉमन में कुछ मत करो कि लेट इसका वन रूट कॉमन है अल्फा। तो सीधे एक काम करें, अपन इस इक्वेशन को सोल्व करना है ना, तो एक काम करो फर्स्ट में से, अरे यार एक्स को अल्फा पुट करो तो ज्यादा दिक्कत है लोग, कि लेट वन रूट कॉमन इज अल्फा। एक्स को अल्फा पुट करोगे तो एक्स की जगह अल्फा आ गया, और फर्स्ट में से सीधा सेकेंड इक्वेशन को सबमिट कर दो। दो ऑप्शन है, या तो लगाओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या सीधे इक्वेशन को सोल्व कर दो। तो इक्वेशन को सॉल्व करना इसमें सिंपल है, वो देखना क्यों, अल्फा पुट करने पे अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल तो क्या जाएगा, 20 माइनस p इनटू अल्फा प्लस 20 माइनस p इक्वल टू जीरो। ये सब सही लिखा है मैंने, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस पी एक्स प्लस 20x, तो देन x कॉमन, तो 20 माइनस p देन प्लस 20 माइनस p, तो एक तो एक कॉमन आ गया, तो इससे क्या रिजल्ट मिला, कॉमन लेने पे एक तो आ गया p इक्वल टू 20 और एक आ गया x इक्वल टू या अल्फा इक्वल टू माइनस वन, तो एक रूट कॉमन आ गया माइनस वन, मतलब और ये वैसे ही दिख रहा है इसमें कि x को माइनस वन पुट करोगे तो दोनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है। x को माइनस वन पुट करो आप, देखो ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, तो एक रूट आ गया माइनस वन। अब इसमें देखो p 20 आ गया, p 20 आने का मीनिंग क्या है कि इसमें भी p 20 है, तो p को 20 लेने पे लॉजिकली तो इसमें क्या है कि एक रूट तो माइनस वन कॉमन है और p को 20 लेने पे भी इसके रूट कॉमन होने चाहिए, लॉजिकली तो एक रूट कॉमन आना चाहिए, बट जो बहुत रूट्स की कंडीशन आपने अप्लाई की थी उसमें भी p आपका 20 है। इसका मीनिंग p को अगर आप 20 लेते तो अगेन टू रूट कॉमन है और वो दोनों रूट कॉमन क्या होंगे, यही वाले होंगे ना, तो उनको दोबारा कैलकुलेट उनको दोबारा काउंट नहीं करना है, तो दो रूट जो उससे मिले और एक रूट आपको उससे मिला, टोटल x की थ्री वैल्यूज होंगी जो उनको क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई। अब कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर सीधे ही आ गए ना, बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन से दो आंसर होंगे, वन रूट कंडीशन से, ऐसा नहीं है इसमें। इसमें तो ठीक है गलती से p 20 आ गया, p अगर 20 नहीं होता तो हो सकता है p को जो वैल्यू है उसको पुट करने से p एक रूट कॉमन होना सकता है, ये दोनों रूट भी कॉमन आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो वन रूट कॉमन की कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, ये एग्जैक्टली वन रूट की कंडीशन नहीं है, ये एटलीस्ट वन रूट की कंडीशन होती है। जो वन रूट की कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड या सबट्रैक्शन मेथड, इससे एक रूट कॉमन तो होगा ही, बोथ रूट्स भी कभी कभार कॉमन हो सकते हैं। और देखो इसमें आ भी गया p 20 पुट करोगे तो बोथ रूट्स आर कॉमन है, तो जो एटलीस्ट ये जो वन रूट कॉमन की कंडीशन है, इसमें टू रूट्स कॉमन की कंडीशन भी क्या होती है बेटा, इनबिल्ट, ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का। तो अभी तो इसमें टोटल x की थ्री वैल्यूज जो क्या करेंगी, बोथ इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्या भी थर्ड क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हिच दिस इनटू दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं दिस एंड दिस, इनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें दो केस होंगे, कैसे एक बार बताओ, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके बोथ रूट्स आर इक्वल हो, अगर इसके दोनों रूट इक्वल हैं तो इसके दोनों फैक्टर सेम होंगे, लेट x - अल्फा का होल स्क्वायर, हां है ना, और इस सेकेंड क्वाड्रेटिक के भी बोथ रूट्स अगर इक्वल हैं तो इसके भी दोनों फैक्टर सेम होंगे, लेट x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या किया है कि दिस इक्वेशन या दिस एक्सप्रेशन है बोथ सेम फैक्टर, अरे यार इसके दोनों फैक्टर सेम होंगे, तो दोनों फैक्टर सेम होने का मतलब x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है, तो इसका रूट लोगे तो रूट हट गया ना, इसके भी दोनों फैक्टर सेम है तो इसे भी रूट हट गया, इसका मतलब दिस इनटू दिस का जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो एक कंडीशन तो क्या है कि बोथ दी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैव सेम फैक्टर, तो सॉरी बोथ दी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैव इक्वल फैक्टर या सेम फैक्टर, तो सेम फैक्टर का मीनिंग क्या है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो होगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक का डी जीरो है तो उसके बोथ रूट्स आर इक्वल, और बोथ रूट्स इक्वल का इनडायरेक्ट मीनिंग है कि उसके दोनों फैक्टर सेम होंगे, तो फर्स्ट का डी वन जीरो कर दो एंड
एंड क्यों लगाया गया, क्योंकि दोनों काम करने, ये भी स्क्वायर आना चाहिए, इस पे भी स्क्वायर आना चाहिए, तो डी वन को जीरो करोगे तो क्या जाएगा, मतलब ए माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया ए स्क्वायर तो माइनस के थ्री ए स्क्वायर माइनस के फोर ए प्लस फोर इक्वल टू जीरो, देन थ्री ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फोर इक्वल टू जीरो आ गया ना, तो चार ती बारह छह दूनी बारह, तो इसके फैक्टर करके देख लेते हैं अपन, ये लो हो गया, तो देन इससे एक की टू वैल्यू मिली, एक तो ए टू एक माइनस के टू आई, आपको d2 को भी जीरो करना है, तो d2 को जीरो करने पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस फोर टू ए माइनस वन का और स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो सिंपल कर सकते हैं ना, इस फोर को अंदर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा टू, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, अरे सही है, तो सीधा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस करने पे तो क्या जाएगा फाइव ए माइनस टू, और इसमें से इसको माइनस करने पे क्या आएगा माइनस थ्री प्लस टू, देन थ्री ए माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो इससे आपका ए आ गया टू बाई थ्री एंड टू बाई फाइव, बट कॉमन वैल्यू चाहिए तो इससे तो कॉमन वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना, थोड़ा केयरफुली देखना, गलती नहीं करती हूँ मैंने इसमें, एक बार दोबारा देखें क्या, हाँ इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस थ्री ए प्लस टू, चलो देखते हैं, तो अभी तो इससे कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, बाद में बात करेंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सुनना, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इनके दोनों के फैक्टर सेम हो या बहुत रूट्स आर इक्वल, इसके भी रूट अगर अल्फा बीटा होंगे तो इसके फैक्टर लिखोगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और इसके भी दोनों रूट सेम होंगे तो इसके फैक्टर क्या लिखोगे x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया ना x माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू x माइनस बीटा का स्क्वायर, तो देन इसको रूट लोगे तो रूट कट जाएगा, तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि दोनों का दोनों के रूट सेम होने चाहिए, मतलब बोथ रूट्स आर सेम, तो टू रूट कॉमन की कंडीशन ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो माइनस ऑफ तो क्या आएगा टू माइनस ए अपॉन ए इक्वल टू सी कितना है ए स्क्वायर अपॉन टू ए माइनस वन, तो चलो इन दोनों को पकड़ो तो ए इधर भाग गया ए इधर भाग गया तो टू ऑफ ए टू तो ए बना गया से, तो अरे कलना बना भाग फर्स्ट को थर्ड के साथ लोगे तो क्या आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए माइनस वन, तो इससे आ गया ए इक्वल टू वन, यस सर, मतलब ए को वन लेने पे बहुत इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, और दोनों इक्वेशन अगर आइडेंटिकल है तो दोनों के रूट सेम होंगे, और रूट सेम होंगे तो ठीक है परफेक्ट स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो ए इक्वल टू वन के केस में ये क्या होगी एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, इस केस में ए की वैल्यू कॉमन नहीं है तो इससे तो ए बिलोंग्स टू क्या होगा फाइव, तो देन इसने पूछा नंबर ऑफ रियल वैल्यू जो फिर, तो ओनली इसका वन आंसर फिल करना है कि ओनली ए की वन वैल्यू पॉसिबल है जो क्या करेगी दोनों के केस में क्या बनेगा ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है चलें। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, थीटा जीरो से फोर पाई है, एक सेकंड, थीटा जीरो से फोर पाई है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यू ऑफ थीटा इज द फॉर्म ऑफ के पाई देन के इक्वल, देखो जरा सिंपल क्वेश्चन है, ये सिक्स है ना, इधर साइन थीटा की वैल्यू होती है माइनस वन से वन, तो जब आप देखो एक ऑप्शन है मेरे पास, आप मल्टीप्लाई या साइन थीटा को टी लेट करके साइन थीटा को टी लेट करके मल्टीप्लाई कर दो तो टी में बनेगी क्यूबिक इक्वेशन, और हिट एंड ट्रायल से जब सॉल्व करोगे ना तो केवल टी इक्वल टू माइनस वन इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन इसका सॉल्यूशन होगा, और साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन देखो जीरो से फोर पाई में साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन कब हो सकती है, और सीधा एक्स की वैल्यू से क्या करना, देखो ये भी माइनस वन से वन ये भी माइनस वन से वन, तो देखो जब मैक्सी वैल्यू वन लेते हो तो तीन चार पांच ये तो छह से बड़ा आ गया ना, पर जब इनकी एक्सटी वैल्यू माइनस वन लोगे तो ये क्या आएगा, देखो एक्सटी वैल्यू माइनस वन लेने पे वन और वन से छोटा, इसमें माइनस वन पुट करने पे टू और टू से लेस, इसमें माइनस वन पुट करने पे थ्री और थ्री से लेस, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ गया सिक्स और सिक्स से लेस, और इधर इक्वल टू सिक्स बोला गया तो इक्वेशन कब होल्ड होगी जब बोथ साइड इक्वल टू सिक्स होगा, तो लेफ्ट साइड में इक्वल टू सिक्स कब होगा जब साइन थीटा को माइनस वन पुट करोगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट एक्सट्रीम वैल्यू से भी यूज कर सकते हो, एक्सट्रीम वैल्यू से भी अपन डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं,
साइन थीटा की वैल्यू बीटा माइनस वन इधर होती है, तो जीरो से फोर पाई में ये तो थ्री पाई बाई फोर हो गया, ये सेवन पाई बाई फोर, हाँ है ना, तो थ्री पाई बाई फोर प्लस सेवन पाई बाई फोर क्या होगा, दस, फाइव पाई आ गया। के इक्वल टू क्या फिल करना है इसमें, फाइव आंसर फिल करना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो और उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, द नंबर ऑफ बाइजेक्ट फंक्शन ए टू ए वेयर ए वन टू थ्री है सच दैट एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू थ्री कॉमा एफ ऑफ टू इज नॉट इक्वल टू वन एफ ऑफ थ्री इज नॉट इक्वल टू टू। मतलब आपको ए टू ए में फंक्शंस बताने कौन कौन से होंगे, बट वन की मैपिंग थ्री से नहीं करनी, टू की मैपिंग वन से मत करना और थ्री की मैपिंग टू से नहीं करनी। तो देखो इसमें तो एक काम करो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तीन एलिमेंट है वन टू थ्री, तो बना के देख लेते हैं। देखो हो जाएगा ये वन टू थ्री, मैपिंग बाइजेक्ट है, मतलब सबका सबसे रिलेशन होना जरूरी है ए टू ए। तो देखो उसमें वन बाई वन केस लेते हैं, ये सीधे सी में देख लेना, एफ ऑफ वन नॉट इक्वल टू थ्री, इस पर बात करो, एफ ऑफ वन नॉट इक्वल टू थ्री है, इसका मीनिंग एफ ऑफ वन इक्वल टू, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एफ ऑफ वन वन करोगे या एफ ऑफ वन को टू करते हैं। चलो पहला वाला केस लेके देखते हैं कि जब एफ ऑफ वन को वन करोगे तो देखो क्या होगा, तो एफ ऑफ वन को वन कर देते हैं। अब आपने एफ ऑफ वन को वन किया गया, तो एफ ऑफ टू का रिलेशन किससे नहीं करना, वन से, तो एफ ऑफ टू के भी दो ऑप्शन है, एफ ऑफ टू का रिलेशन थ्री से कर सकते हो टू से, तो इसको चलो दोबारा प्ले कर देते, कोई बड़ी बात नहीं, वन का वन से, फिर मैंने टू का टू से कर दिया, वन का वन से है ये, फिर मैंने क्या किया, टू का सो टू का तो कर दो आप ऐसे थ्री से, हो गया ना, वन का वन से और टू का टू से करोगे तो फिर थ्री से थ्री का करना पड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस सर। और उसके बाद अगर टू का थ्री से किया तो थ्री का फिर टू से करना पड़ेगा, क्योंकि वन 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 टू लाना है, तो ये गलत है क्योंकि एफ ऑफ थ्री के लिए टू को मना किया है। तो एक मतलब एफ ऑफ वन को वन लेने पर ओनली वन सोल्यूशन होगा, मतलब एक मैपिंग तो दिस हो सकती है, सीधा कर सकते हो। अगेन सेकेंड केस लेते हैं, वन टू थ्री, वन टू थ्री क्या लेना है, एफ ऑफ वन की मैपिंग अगर आप टू से करते हो तो क्या करना है, टू की मैपिंग में वन से कर सकता हूं थ्री से, बट टू की मैपिंग को वन से करने के लिए मना किया है, अरे वन की मैपिंग तो टू से है, तो टू की मैपिंग की दो ऑप्शन है वन एंड थ्री, एफ ऑफ टू नॉट इक्वल टू वन है तो फिर आप केवल इसको थ्री से कर सकते हैं, और जब टू को थ्री से कर दिया, वन को टू से कर दिया, तो एफ ऑफ थ्री वन, हाँ एफ ऑफ थ्री वन कर सकते हैं, तो एक मैपिंग ये होगी, तो ओनली टू ही मैपिंग इस केस में क्या हो सकती है पॉसिबल, तो इसका टू आंसर आपको फिल करना, ठीक है। तो थैंक यू।